हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम कनेर प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसे ओलियंडर भी कहा जाता है। देखिए इसमें कितने सुंदर सुंदर फूल आए हुए हैं। ग्रीन पत्तियों के बीच में ये पिंक कलर के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। इसमें तीन कलर आते हैं, एक पीला कलर और एक सफेद। पीला कलर वाला पौधा तो आपको रोड साइड पे कहीं भी देखने को मिल जाएगा। वो बहुत ज्यादा रोड साइड पे ज्यादा लगे रहते हैं। तो ये इसके फूल गुच्छों में आते हैं। एक एक ब्रांच पे ऐसे कई सारी कलियां बनती हैं और गुच्छे में ये फूल खिलते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो जब ये प्लांट जमीन में लगा रहता है तब तो ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत इसे नहीं पड़ती है, ये उसमें फूल देता रहता है। लेकिन अगर गमले में हम इसको लगाते हैं तो हमें थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है। तो कुछ बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये गमले में भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि गमला थोड़ा बड़ा लें। कम से कम 14 से 15 इंच का गमला लेंगे, तभी इसकी जड़ें अच्छे से उसमें फैलेंगी और ये अच्छे से ग्रो करेगा। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखें कि जब इसको नर्सरी से ला रहे हैं तो थोड़ा बड़ा पौधा ले आएं। छोटा पौधा ले आएंगे तो उसे तो पहले छोटे पॉट में ही लगाना पड़ेगा, और जब बड़ा ले आएंगे तो उसे बड़े गमले में लगाएंगे। छोटा प्लांट मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो उसे फूल देने में भी बहुत समय लगता है। तो अगर नर्सरी से ला रहे हैं तो बड़ा प्लांट ही खरीद के ले आएं, तभी वो जल्दी फूल देगा, और उसे बड़े गमले में लगाएं तो अच्छा रहेगा। मिट्टी के लिए इसकी मिट्टी में एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा रेत ले लें। कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट या काउ डंग कंपोस्ट। ये देखिए, मैंने पिछले मानसून में इसको कटिंग से ग्रो किया था और ये 10 इंच का गमला है, लेकिन अभी इसमें कोई भी फ्लावरिंग या कलियां भी नहीं बनी हुई है। तो इस मानसून में मैं इसको एक और बड़े, इससे बड़े पॉट में रिपोर्ट करूंगी, तो शायद इसमें फूल आए। तो इस चीज का ध्यान रखें, गमला थोड़ा बड़ा हो और मिट्टी इसकी वेल ड्रेन, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा मिट्टी, ऐसे बनाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो करेगा। सनलाइट इसको पूरी चाहिए। इसको ऐसी जगह पे रखें जहां इसको सुबह से लेके शाम तक की पूरी अच्छी धूप मिले। इसको धूप अच्छी मिलनी चाहिए तभी ये अच्छे से फूल देगा। पानी इसमें डेली डालें। मिट्टी अगर वेलड्रेन है तो पानी डेली उसमें से निकल जाएगा, तो गर्मियों में इसमें डेली पानी दें। और अभी जून के समय में तो इसको कम से कम सुबह और शाम दोनों समय पानी देना पड़ेगा। फर्टिलाइजर के लिए आप इसमें 1 से 1.5 महीने पे काउ डंग या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। आप इसमें मस्टर्ड केक और नीम खली मिला के लिक्विड फर्टिलाइजर बना के भी डाल सकते हैं। और वैसे भी जब हम 15-20 दिन पे अपने हर प्लांट में कोई लिक्विड घर का ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बना के डालते हैं तो वो भी इसमें डाल सकते हैं, बस ये अच्छे से फूल देगा। इतना सब करने के बाद इसमें फ्लावरिंग अच्छे से होगी। विंटर सीजन में इसकी डोरमेंसी पीरियड होती है, तो उस समय इसकी प्रूनिंग कर दें ताकि ये प्लांट और घना बने और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल आए। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।